आज मैं जो शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो FMCG मार्केट का एक बेताज बादशाह है, और मैं बता दूँ कि वो शेयर है ITC लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, ITC लिमिटेड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग, पेपर इंडस्ट्रीज़, होटल्स इत्यादि कई चीज़ों में बेताज बादशाह है। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि फेस क्रीम्स इत्यादि काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे घरों में, आपके घरों में कई सारे इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नमस्कार और आपका स्वागत है इस वीडियो में, और इस वीडियो के थ्रू आपको ITC लिमिटेड की वो हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, और क्या ये सही टाइम है इस शेयर को ख़रीदने का इस समय जो कि कोरोना वायरस चल रहा है और सारे शेयर्स, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ही पूरा नीचे गिर चुका है, बियरिस मार्केट चल रहा है अभी। सो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा ITC लिमिटेड को और इसके शेयर के बारे में भी। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरे सारी वीडियोस के। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको कुछ और किसी स्टॉक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उस पर तुरंत एक दो दिन में आपको वीडियो बना के उस पर दिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको बता दूं कि अभी जो MD एंड चेयरमैन हैं ITC लिमिटेड के, वो संजीव पुरी जी हैं, और इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, सिगरेट, अपारेल, एजुकेशन, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, पेपर बोर्ड्स, स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी कई सारे हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है, टोटल एसेट्स भी इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या ये कंपनी सही है इस समय इन्वेस्ट करने के लिए, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ इस कंपनी की। ITC लिमिटेड वॉज ओरिजिनली नेम्ड इम्पीरियल टोबैको एंड वॉज लेटर रीनेम्ड इम्पीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक टोबैको कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी इंडिया लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस था कलकत्ता में, जो कि अभी भी इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। इनिशियल के कई सालों तक ये कंपनी सिर्फ टोबैको की ही कारोबार करती थी, लेकिन बाद में ये कंपनी अपनी बिजनेस डाइवर्सिफाई करने लगी, जो कि अभी जो मैंने बताया सेगमेंट्स उसमें ये रूल कर रही है अपने मार्केट्स में। सो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा ITC लिमिटेड के शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा। सो अब देख सकते हैं कि लास्ट वर्किंग डे में ये कंपनी 165.5 रुपीज़ में क्लोज हुआ, और अगर मैं इसके फास्ट ट्रेंड दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि एक महीने में ये कंपनी काफ़ी गिर चुकी है, अराउंड 15%, और अगर लास्ट सिक्स मंथ में बताऊं तो सिक्स मंथ में भी ये कंपनी अराउंड 35% गिर चुकी है। और अगर इसका मैक्सिमम ट्रेंड दिखाऊं तो ये कंपनी लगातार इंक्रीज़ कर रही थी, अभी कुछ एक साल में ये कंपनी काफ़ी गिर चुकी है। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छे भाव में मिल रही है अभी, और इसको ख़रीदने से काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। सो उससे पहले हम लोग इसका रेवेन्यू, नेटवर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे, और इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होगा आने वाले सालों में वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का अभी मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए है, और बुक वैल्यू 45 रुपीज़ है, और कंपनी काफ़ी अच्छी अर्निंग पर 12 रुपये है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 5.75% डिविडेंड यील्ड है, जो काफ़ी अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालूं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का टर्नओवर
लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2018 में 44,000 करोड़ टर्नओवर था, जो कि मार्च 2019 में 45,000 करोड़ हो गया। और इससे पहले का भी अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्च 2017 में भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा टर्नओवर था इस कंपनी का। मार्च 2016 में भी काफ़ी अच्छा था, मार्च 2015 में भी काफ़ी अच्छा था। सो कंपनी की टर्नओवर काफ़ी अच्छी है। अगर मैं नेट प्रॉफिट्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी लगातार इंक्रीज़ कर रही है। मार्च 2019 में इसकी प्रॉफिट करीब 12,000 करोड़ रुपए थी, मार्च 2015 में 9,600 करोड़, मार्च 2016 में 9,800 करोड़, 17 में 10,000 करोड़, 18 में 11,000 करोड़ रुपए। सो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स भी दे रही है। सो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को उसके बदले डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स भी मिलते होंगे। तो चलिए एक नज़र डिविडेंड्स और शेयर पर भी डालते हैं। सो गाइस, ये देखिए आप, इसका डिविडेंड कितना ज़्यादा है हर साल, 575% मई 2019 में, 2018 में 515%, 2017 में 475%, 2016 में 850%। सो आप देख सकते हो कि लगातार हर साल ये कंपनी डिविडेंड पर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिए जा रही है। सो डिविडेंड के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, आप इसके बोनस पर एक नज़र डाल लो, आप देख सकते हो कि लगातार ये कंपनी रेगुलर इंटरवल्स पे ये बोनस शेयर्स भी काफ़ी अच्छे दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। मार्च 2016 में दिया था, 2010 में, 2005 में, 1994 में। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है डिविडेंड्स और बोनस के मामले में। गाइस, अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी का रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा है, 54,000 करोड़ रुपीज़ है रिजर्व्स। रिजर्व्स वो से कंपनी का प्रॉफिट्स होता है जो डिविडेंड और बोनस देने के बाद कंपनी अपने पास रखती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो आप देख सकते हो कंपनी का रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर रहा है साल दर साल। मार्च 2018 में इसका रिजर्व्स करीब 50,000 करोड़ था, जो कि इस साल जो मार्च 2019 में बढ़ के 54,000 करोड़ रुपीज़ हो गया है। इससे पहले भी इसका काफ़ी अच्छा रिजर्व रहा है, 2016 में भी, 2015 में भी। सो कंपनी लगातार अच्छा रिजर्व दे रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है, 57,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास नेटवर्थ है। आप देख सकते हो कि 5 साल में कंपनी ने अपना नेटवर्थ कितना इंक्रीज़ कर लिया है। मार्च 2014 में करीब 26,000 करोड़ रुपीज़ था, जो कि मार्च 2019 में 57,000 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो कंपनी ने अपने नेटवर्थ को करीब डबल कर लिया है 5 साल में ही। अब मैं थोड़ा इस कंपनी के डेब्ट के बारे में आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि कंपनी की लोन बहुत ही कम है, 7.89 करोड़ रुपीज़ बस लोन है, और वही इसका टोटल डेब्ट है। तो कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है, और आप देख सकते हो कि हर साल इस कंपनी का डेट डिक्रीज़ होते जा रहा है। मार्च 2014 में इस कंपनी का 51 करोड़ रुपीस डेट था, जो कि मार्च 2019 में 7.8 करोड़ रुपीस हो गया है। आप देख सकते हो कि हर साल इस कंपनी ने अपना डेट कैसे डिक्रीज़ किया है। सो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ओपिनियन लोगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा चांस है, और इसमें आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ और रिटर्न्स पा सकते हो। फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम लोग इस कंपनी के नेगेटिव न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं, कोई कंपनी ये कंपनी कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी का कुछ गलत न्यूज़ आता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे ही रहता है, नीचे गिर जाता है, या फिर कभी बढ़ता ही नहीं है। सो लेट्स सी द बैड न्यूज़ ऑफ दिस कंपनी। फ्रेंड, मैं दिखा दूँ कि मैंने ये गूगल पे सर्च किया है ITC लीगल केसेस। सो आप देख सकते हो इस कंपनी के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव केस नहीं चल रही है कोई भी कोर्ट में। सो ये कंपनी एक फुल प्रूफ कंपनी है, जिसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, और कंपनी का मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाई दिया इसका, इस कंपनी का, और शेयर के बारे में बता ही दिया कि काफ़ी अच्छी शेयर है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगता है। और अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।